हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ सेम चैप्टर चैप्टर सेवन टाइम गोज़ ऑन समय गुजर रहा है ऑफ क्लास थर्ड लेट्स स्टार्ट ओके बिफोर स्टार्टिंग आपको मैंने होमवर्क दिया था आई होप आपने कंप्लीट किया होगा एंड राइट हियर अबाउट 120 फुल मून्स मैंने आपको इससे पहले बताया था इन वन मंथ वन फुल मून होता है सो so, अगर आपकी प्रेजेंट एज क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास सिंस यू वर बॉर्न जब से आप पैदा हुए थे तब से अभी तक कितने फुल मून्स हो चुके हैं आपकी एज करेंट एज टेन ईयर्स ओल्ड है एंड In one year, there are 12 months. मैंने आपको नोटबुक में भी कराया था ट्वेल्व मंथ्स इन ईयर सो टू टीरो क्रॉस टू वन जर वन एट दम जीरो प्लस टू इज टू वन डेट मीन्स वन हंड्रेड ट्वेंटी वन मंथ में वन फुल मून है तो वन हंड्रेड ट्वेंटी मंथ्स में अबाउट वन हंड्रेड ट्वेंटी फुल मून्स ओके लगभग एक सौ बीस फुल मून्स हो सकते हैं नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक बर्थ सर्टिफिकेट बी आई आर टी एच बर्थ जन्म सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी बर्थ इंफॉर्मेशन होती है आपका डेट टाइम ऑफ डेट सॉरी टाइम ऑफ बर्न डेट ऑफ बर्न प्लेस ऑफ बर्थ या फादर्स नेम मदर्स नेम जेंडर ओके बर्थ सर्टिफिकेट एल ओ ओ के लुक देखो ए टी एट पर टी एच ई दी आई आर टी एच बर्थ सी ई आर टी आई एफ आई सी टी सर्टिफिकेट ओ एफ ऑफ का बी आई एन सी वाई बिन्सी बिन्सी लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिन्सी बिन्सी का बर्थ सर्टिफिकेट देखो सी दिस बर्थ सर्टिफिकेट एफ ओ आर एम फॉर्म एन यू एम बी आर नंबर ये ओ वी आर एन एम ई एन टी गवर्नमेंट ओ एफ एफ का के ई आर ए ए केरला केरला के गकार का तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हुआ होगा मे बी हॉस्पिटल में बनता है बर्थ सर्टिफिकेट So, लिखा है फॉर्म नंबर फाइव गवर्नमेंट ऑफ केरला केरला में बर्थ हुआ होगा बिन्सी का बर्थ सर्टिफिकेट टी एच आई एस यह आई एस है टीओ टू को सी ई आर टी आई एफ आई सर्टिफाई एफ आई होना चाहिए दिस इज टू सर्टिफाई टी एच ई टी डेट की टी एच आई एस दिस यह आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन इन्फॉर्मेस सूचना आई एस इज हैड टी ए के ई एन टिकन ली गई एफ आर ओ एम फ्रॉम से टी एच ई द ओ आर आई जी आई एन एल ओरिजिनल असली आर ई सी ओ आर डी रिकॉर्ड ओ एफ ऑफ क बी आई आर टी एच बर्थ जन्म डब्ल्यू एच आई सी एच विच आई एस एज है विच जो कि है आई एन इन में टी एच द आर ई जी आई एस टी आर रजिस्टर एफ ओ आर फॉर टी एच ई द वाई ए आर ईयर बर्थ दिस इज टू सर्टिफाई डेट दिस इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ऑरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर ईयर प्रमाणित किया जाता है दिस इज सर्टिफाई किया जाता है कि यह इन्फॉर्मेशन जो भी इस बर्थ सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन है सूचना है वह ऑरिजिनल रिकॉर्ड से ली गई है जो असली वास्तविक है उनसे लिया गया है ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर ऑफ़ फॉर द ईयर उस आ, जैसे ईयर है टू थाउजेंड टू ईयर इसमें लिखा है तो इस ईयर से बर्थ की ओरिजिनल रिकॉर्ड ली गई है रजिस्टर से हेयर टू थाउजेंड टू ईयर ऑफ का के ओ टी टी ए वाई ए एम कोटायाम पी ए एन सी एच ए वाई ए टी पंचायत प्लेस नेम है ये एन ए एम ई नेम नाम पी आई एन सी वाई बिन्सी टी एच ओ एम ए एस थॉमस जे ए सी ओ बी जैकअप बिन्सी थॉमस जैकब नेम है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है एस ई एक्स एक्स एफ ई एम ए एल ई फीमेल यानी कि वो फीमेल है गर्ल है डी ए टी ई डेट ओ एफ एफ का बी आई आर टी एच बर्थ बर्थ की डेट जब वो पैदा हुई थी टू जीरो टू टू फॉर डेट जीरो फाइव फाइव फॉर मंथ टू थाउजेंड टू फॉर ईयर जैसे यहाँ पर टू थाउजेंड टू है सो टू थाउजेंड टू फॉर ईयर टू फाइव टू थाउजेंड टू डेट मीन्स टू फिफ्थ मंथ होता है जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल मई टू मई टू थाउजेंड टू डेट ऑफ बर्थ एस ई सी ओ एन डी सेकेंड एम ए वाई मे टी डब्लू ओ टू टी एच ओ यू एस एन डी थाउजेंड टी डब्ल्यू ओ टू सेकेंड मे टू थाउजेंड टू डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स वर्ड्स में भी लिखा है इन नंबर्स में भी लिखा है सेकेंड में टू थाउजेंड टू पी एल ए सी प्लेस ऑफ ओ एफ का प्लेस स्थान का बी आई आर टी एच बर्थ जन्म का स्थान कहाँ पैदा हुई थी वो जन्म का स्थान प्लेस ऑफ बर्थ के ए डी ए एम पी यू जेड एच ए कदम पूजा एच ओ एफ पी आई टी एल हॉस्पिटल कदम पूजा हॉस्पिटल में एन ए एम ई नेम नाम ओ एफ ऑफ का एफ ए टी एच ई आर फादर नेम ऑफ फादर पिताजी का नाम जे ए सी ओ बी जैकब टी एच ए आर ए के ए एन थाराकन बिंसी के फादर का नेम है जैकब थाराकन एन ए एम ई नेम नाम ओ एफ ऑफ का एम ओ टी एच ई आर मदर माता जी एल ए आर ए लारा टी एच ओ एम एस थॉमस लारा थॉमस हर मदर्स नेम बंसी की मम्मी का नेम है लारा थॉमस डी ए टी ई डेट दिनांक ओ एफ एफ का आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई ओ एन रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब रजिस्टर करवाए रजिस्टर में लिखा गया डेट तो वो डेट है टू फाइव टू थाउजेंड टू डेट मीन्स सेकेंड मई और टू मई टू थाउजेंड टू आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई एन रजिस्ट्रेशन एन एम बी आर नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर एट वन फाइव दट मीन एट हंड्रेड फिफ्टीन आउट ऑफ जीरो है तो जीरो टू एट हंड्रेड फिफ्टीन नंबर है ऑफ टू थाउजेंड टू का डेट जीरो जीरो अगस्त

सोस दिखाता है एस एच ओ डब्ल्यू एस सोज दिखाता टी एच ई टी डेट की बी आई एन सी -S -S, थे थे वाई बिनसी डब्ल्यू एस वॉज थी बी ओ आर एन बॉर्न पैदा हुई जन्म ओ एन ऑन पर टू डैश आई एन इन मै टी एच ई दाई ए आर ईयर वर्स टू थाउजेंड टू टू फाइव टू थाउजेंड टू शोज डेट बिन्सी वॉज बॉर्न ऑन टू डैश इन द ईयर टू थाउजेंड टू यह क्या शो करता है आपको लिखना है टू फाइव टू थाउजेंड टू शो करता है दिखाता है कि बिन्सी पैदा हुई थी टू फाइव फाइव फॉर मंथ मैंने आपको बताया था दिस इज फॉर डे फॉर मंथ फॉर ईयर सो साल के टू थाउजेंड टू दिस ईयर टू देन दिस इज फॉर मंथ फाइव मीन्स जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल मई टू मई इन दर टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू में मई के मंथ में वह बॉर्न हुई थी ये डेट यह सो करती है नेक्स्ट क्वेश्चन एच ओ डब्ल्यू हाउ कितने ओ एल डी ओल्ड डब्ल्यू आई एल एल होगी बी आई एन सी वाई बी ई बी ओ एन ऑन पर मैं टू एम ए वाई मे टू थाउजेंड एट हाउ ओल्ड विल बिन्सी बी ऑन टू मई टू थाउजेंड एट टू मई टू थाउजेंड एट में बिन्सी कितने ईयर ओल्ड होगी टू थाउजेंड टू में बॉर्न हुई थी टू थाउजेंड एट में वो कितने साल की हो जाएगी वट विल डू हम फाइंड करेंगे डेट ऑफ बर्थ हाउ लेट मी शो यू टेकआउट योर मैथ्स फेयर कॉपी हमने इससे पहले जो वर्क किया था एंड हर हिज मदर सेज फाइंड किया था नेक्स्ट पेज नंबर हंड्रेड राइट हियर पेज नंबर हंड्रेड सेम चैप्टर है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन वन इफ बिन्सीज डेट ऑफ बर्थ इफ बिंसीज डेट ऑफ बर्थ इज five two thousand two How old will be C B on two May two thousand eight question mark टू क्वेश्चन दोनों एक में आ गए आंसर वन आपको पूछा है 2008 में कितनी ईयर की होगी अगर वो 2 मई 2002 में बॉर्न हुई थी सो हम करेंट एज पहले लिखेंगे लाइक like दिस कैसे फाइंड करते हैं डेट ऑफ बर्थ लेट मी टेल यू डेट ऑफ बर्थ इज टू फाइव टू थाउजेंड टू एंड हाउ ओल्ड विल बिनसी हाउ ओल्ड विल बिन्सी बी ऑन टू मई टू थाउजेंड एट तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फाइंड करेंगे बिन्सीज डे एज हम ये फाइंड कर रहे हैं कि उसकी एज कितनी होगी उसकी उम्र मींसिस एज ऑन टू मे टू थाउजेंड एट इज इक्वल टू पहले हम लिखते हैं ईयर वाई ई आर ईयर देन मंथ देन डे न अभी पूछा है टू मई टू थाउजेंड एट टू मे मई मीन्स फाइव फिफ्थ मंथ टू थाउजेंड एट सो ईयर है टू थाउजेंड एट मंथ है मई मे मीन्स फाइव फिफ्थ मंथ एंड डेइ टू टू मई एंड डेट ऑफ बर्थ हर डेट ऑफ बर्थ टू फाइव टू थाउजेंड टू ईयर है टू थाउजेंड टू फाइव 2 माइनस सब्ट्रैक करेंगे डे में से डे डे day से डेज माइनस करेंगे मंथ से मंथ एंड ईयर से ईयर हाउ लाइक दिस 2 माइनस 2 इज़ जीरो आलसु जीरो मंथ 5 माइनस 5 इज़ जीरो दिस वन इज़ आलसु जीरो जीरो माइनस जीरो इज़ जीरो 8 माइनस 2 आफ्टर 2 काउंटिंग करेंगे 8 आने तक

उजेंड टू में आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली अगर डे एंड मंथ सेम है टू टू डेज मंथ्स फाइव फाइव सो इयर्स चेंज है ऑनली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम टू थाउजेंड टू के बाद काउंट करेंगे 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. So Age six years old. That means her age on 2 May 2008 is 6 years old. Next. Question 3. H O W how? O L D old W I L L will एस एच ई सी वह बी ई बी होगी आई एन इन मै टी एच ई द वाई ए आर ईयर वर्स ट्वेंटी फिफ्टी टू टू थाउजेंड फिफ्टी टू हाउ ओ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टी टू कम एज तो आप सॉरी कम डिफ्रेंस है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड एट अगर डेज एंड मंथ सेम है तो फिंगर्स में काउंट करके भी आफ्टर टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर बट इतना ज्यादा कैसे फाइंड करेंगे एस सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया डेट ऑफ बर्थ ऐसे फाइंड की जाती है ईयर मंथ डे हाउ ओल्ड विल सी बी इन द दर टू ट्वेंटी फिफ्टी टू में वह कितने साल की होगी उसकी डेट से फाइंड करेंगे बर्थ डेट से Write the next question, question number two. Pin sees date of birth is two five two thousand two. हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर ट्वेंटी फिफ्टी टू ओके ट्वेंटी फिफ्टी टू में वह कितने साल की होगी आंसर टू सेम लिखेंगे हम ईयर मंथ डी हम यहाँ पर लैंग्वेज भी बना सकते थे बिंसिस डेट ऑफ बर्थ इज टू फाइव टू थाउजेंड टू दैन शी विल बी इन द ईयर टू ट्वेंटी फिफ्टी टू इज दैन ये करते बट अभी हमने सीधे किया है ये ईयर आप लिखेंगे ट्वेंटी फिफ्टी टू और आपको मंथ एंड डे नहीं पता है डैट मीन्स सेम मंथ एंड डे पे होगा या फिर आप ओनली ईयर से ईयर माइनस करेंगे ओके ओनली ईयर को हम माइनस करेंगे और आप आ, यहाँ पे हम लैंग्वेज भी लिख लेते हैं शॉर्ट में नहीं करेंगे लैंग्वेज भी लिखेंगे सिंस जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है एट फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है बीसिस डेट ऑफ बर्थ इज बिंसी की डेट ऑफ बर्थ पता है तो लिखेंगे सिंस बिंसीज डेट ऑफ बर्थ बिंसी की डेट ऑफ बर्थ बिंसीज डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू आपको गिवन है टू फाइव टू थाउजेंड टू देन आपसे पूछा ट्वेंटी फिफ्टी में कितने साल की हो जाएगी

बर्थ ईयर 2002 में जब वो पैदा हुई थी माइनस टू माइनस टू इज जीरो फाइव माइनस जीरो इज फाइव जीरो माइनस जीरो इज जीरो टू माइनस टू इज जीरो फिफ्टी ईयर्स ओल्ड सो 2002 में वो पैदा हुई है तो 2052 में वो कितने साल की हो जाएगी 50 इयर्स ओल्ड इससे आप और क्या फाइंड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको सिखाया इसकी हेल्प से अगर आपको अपनी करेंट ईयर्स करेंट एज फाइंड करना हो जब आप पैदा हुए थे 2002 में 2010 में 2012 में जब भी आप पैदा हुए थे और अभी की एज सॉरी अभी का ईयर 2020 है तो 2020 में से आप अपना बर्थ ईयर माइनस करेंगे तो आपको अपनी एज पता चल जाएगी जैसे हमने बिंसी की फाइंड कर रहे हैं कि ट्वेंटी फिफ्टी टू में उसकी एज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड होगी ओके okay, वैसे ही आप फाइंड कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में आपकी एज कितनी होगी कैसे फाइंड करेंगे अपनी बर्थ ईयर से जो आपको जिस ईयर पर फाइंड करनी उस ईयर को उस ईयर से बर्थ ईयर सब्टेक्ट करेंगे लाइक like दिस तो आपको एज पता चल जाएगी और आप मंथ्स एंड डेज भी फाइंड करने हैं तो आप इस तरह से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर ओ एन ऑन पर डब्ल्यू एच ए टी वर्ट ऑन वर्ड डी ए टी डीट डब्ल्यू आई एल एल विल एस एच ई सी वह बी ई बी होगी ई आई जी एस टी एट

हम कैसे फाइंड करेंगे इसे 2002 उसकी बर्थ ईयर है उसमें से बोला है कि एट ईयर वो कौन से डेट पे होगी तो हम प्लस कर देते हैं एट ईयर एट ईयर्स एट प्लस टू आफ्टर एट नाइन टेन वन इन कैरी वन प्लस जीरो इज वन जीरो टू टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड टेन दिस इज डेट और सेम मंथ सेम डे सेम डे सेम मंथ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू फाइव टू थाउजेंड टेन ओके क्योंकि उसकी बर्थ ईयर में आपको एट ईयर्स बोलाएँ तो एट ईयर ऐड कर देने हैं वन ईयर ऐड करेंगे तो टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड थ्री में वन ईयर होते हैं टू थाउजेंड फोर में टू ईयर्स ऐसे एट ईयर्स आप ऐड कर देंगे तो डेट आपको पता चल जाएगी टू थाउजेंड टेन में वो एट ईयर की हो जाएगी सी ईयर टू थाउजेंड एट में सिक्स ईयर की हो रही है तो आफ्टर टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड टेन दैट इज टू सिक्स प्लस टू इज एट सो आवर आंसर इज करेक्ट टू थाउजेंड टू मे टू थाउजेंड टेन वो शी विल बी एट इयर्स ओल्ड राइट इन नंबर्स हमने नंबर्स में लिख दिए हैं ओके okay. आपको ये ध्यान से सीखना है कैसे सिखाया है डेट ऑफ बर्थ फोर्थ क्लास में भी आप इसे और अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव एच ओ डब्ल्यू हाउ कितने एम ए एन वाई मैनी कितने सारे एम ओ एन टी एच एस मंथ्स महीने ओ एल डी ओल्ड डब्ल्यू ए एस वर्स थी बी आई एन सी वाई बिनसी ओ एन ऑन पर टी टू एस टी अगस्त 2002. How many हाउ मेनी was वर्स on 2 uh, August 2002? 2 August 2002 को टू को बिनसी की होगी? कैसे find करेंगे? Again, like this, उसकी बर्थ हमें पता है 2 पूछा है two, 2002, स जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऑगस्ट एर्थ मंथ एट एंड टू डे और उसकी डेट ऑफ बर्थ है टू मई मीन्स फाइव टू थाउजेंड टू टू माइनस टू इज जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू सॉरी टू थाउजेंड टू ये भी हो गया जीरो ये दिस इज फॉर ईयर दिस इज फॉर मंथ दिस इज फॉर डे दैट मींस थ्री मंथ्स दिस इज फॉर मंथ्स सो थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स तीन महीने की क्या करना है जो आपसे पूछा है जिस टाइम के लिए उस में से या प्रेजेंट या फिर जो पूछा है उस टाइम में से जब बर्थ हुआ था उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ईयर एंड डे सेम है टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू टू एंड टू तो आप ओनली मंथ्स को ही माइनस भी कर सकते हैं लाइक दिस ओनली जो चेंज है उनको माइनस करेंगे मंथ है ऑगस्ट दैट मीन्स एट एन पैदा हुई थी मे में एट माइनस फाइव इज थ्री दैट मीन्स थ्री मंथ्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स एच ओ डब्ल्यू हाउ कितने एम ए एन वाई मैनिंग कितने सारे वाई ई ए आर एस ईयर्स वर्स ओ एल डी ओल्ड आई एस इज है बी आई एन सी वाई बिन्सी एन ओ डब्ल्यू नाव अप हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिन्सी नाउ अब बिंसी कितने साल की है अब मीन्स करेंट एज प्रेजेंट एज प्रेजेंट ट्वेंटी ट्वेंटी चल रहा है ईयर तो ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर में बिंसी कितने साल की है हम उसकी बर्थ से आज तक के लिए एज फाइंड करें तो प्लस करेंगे तो टू थाउजेंड टू में उसका बर्थ हुआ था ऐड करेंगे 2002 प्लस सॉरी हमें उसकी एज फाइंड करनी है हाउ मेनी ईयर्स तो हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज में से ट्वेंटी ट्वेंटी में से उसकी बर्थ इज माइनस करेंगे जीरो में से टू माइनस नहीं होता है कॉपी में मैं आपको शो करती हूँ लाइक दिस आपको यहाँ ओनली समझना है फिर हम बुक में करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी एंड बर्थ ईयर टू थाउजेंड टू एंड करेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस जीरो माइनस टू नहीं होता वन बोरो लिया तो ये बच गया वन और ये हो गया टेन टेन माइनस टू इज़ आफ्टर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डेट इज़ एट वन वन माइनस जीरो इज वन जीरो माइनस जीरो इज जीरो माइनस टू इज जीरोन ईयरस ओल्ड क्योंकि आपने ईयर में से ईयर को सब्ट्रैक्ट किया है एटीन ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट सेवन ए एफ टी आर आफ्टर बाद में एच यू डब्ल्यू हाउ एम एंड वाई मैनी हाउ मैनी सारे एम ओ एन टी एच एस मंथ्स महीने आर हर उसके बी आई आर टी एच बर्थ जन डब्ल्यू एस वॉज था टी एच ई दी आर टी आई एफ आई सी सर्टिफिकेट आई एस एस यू ई डी सर्टिफिकेट आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज अ सर्टिफिकेट इशू उसके बर्थ के कितने महीनों बाद सर्टिफिकेट इशू करवाया गया हियर सिग्नेचर ऑफ इशिंग अथॉरिटी एंड डेट फाइव सीन दिस सर्टिफिकेट प्रिंस बर्थ सर्टिफिकेट फाइव कैन यू सी फाइव एट टू थाउजेंड टू एंड उसका बर्थ हुआ था टू मई टू थाउजेंड टू डेट मींस ईयर सेम है आपको मंथ मंथ्स में से मंथ माइनस करना है डे में से डे एज सेम जैसे मैंने आपको सिखाया डेट ऑफ बर्थ यू शुड ट्राई इट एट योर होमवर्क इन योर रफ कॉपी आई विल टेल यू दिस आंसर द डे ऑफ नेक्स्ट तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है जब मैं आपको आंसर बताऊंगी अपना आंसर चेक करना है करेक्ट है दैट मीन्स आपको डेट ऑफ बर्थ फाइंड करना आ गया सो दिस इज इनफ फॉर टूडे एंड यू शुड ट्राई इट